सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। और आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा, ये सेशन रहने वाला है उत्तराखंड जो भर्ती है ड्राइवर की पोस्ट के लिए, उसके बारे में सिलेबस और पिछली बार का जो पेपर है उसका एनालिसिस, और उसके ऊपर हम एक सटीक एनालिसिस करने वाले हैं कि हम एक बेहतरीन तैयारी करके कैसे हम अच्छा स्कोर प्राप्त करके आपका जो टारगेट है गवर्नमेंट ड्राइवर बनना, उसको हम अचीव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत। हाँ चलो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा एक सेटिंग थोड़ा सा एडजस्ट करनी पड़ेगी, तब तक लिए थोड़ा सा मैं 5 या 10 सेकंड का टाइम देना चाहूंगा। जी हाँ दोस्तों, सभी अगर इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इससे सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और किसी भी ड्राइवर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं था, उत्तराखंड में जो है अभी ड्राइवर की पोस्ट पे वैकेंसी आई है। 14 मार्च को नोटिफिकेशन आया, 19 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म यानी आज से फॉर्म स्टार्ट होंगे, और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 अप्रैल है, ठीक है, ये सभी जानते हैं। भर्ती 31 पोस्टों पे है, आप सभी को पता होगा। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा इससे भर्ती का सिलेबस क्या है। सिलेबस आप देख पा रहे हैं, चालक के पद के लिए पाठ्यक्रम, ड्राइवरों के लिए नियम विनियम और योग्यता, करंट अफेयर, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, ये जो सिलेबस है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। यानी एक तो उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान होगा, एक करंट अफेयर होगा, और एक ड्राइवर के लिए नियम विनियम योग्यता होगी। विस्तार से मैं चर्चा करता हूं, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले एक तो है CMVR। थोड़ा सा मैं दोबारा चेक करना चाहूंगा। हाँ, एक तो है CMVR 1989 यानी कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल। एक आपका यहां पर है मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है, और एक आप देख पा रहे हैं मोटर वाहन ड्राइविंग विनियमन 2017 का ज्ञान। एक व्हीकल का मेंटेनेंस या तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज। एक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शराब तंबाकू एड्स, इस टॉपिक से एक नंबर टॉपिक है। ऑलमोस्ट आपके 15 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहां से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं बात करता हूं करंट अफेयर की। करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। अब बाकी बचे लगभग 20-22 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन में से आपको मैं जो बता रहा हूं उन चीजों पर आप फोकस कर लेना। यहां पर आप जो है कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन देख लेंगे, कला और संस्कृति के 3 से 4 क्वेश्चन देख लेंगे, मतलब कि 20-22 क्वेश्चन में से 13-14% तो यहां से देखने को मिल जाएंगे। पॉलिटिकल से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, पर्यटन से केवल 1 क्वेश्चन आने का चांसेस है, ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, अर्थव्यवस्था से पिछली बार कोई प्रश्न नहीं आया, अंडा 0 आया है, तो अब की बार भी इसका पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है भी करंट अफेयर के 3-4 हो गए, ये हो गए 5, 6, 6 और 9, 15, 19, 20, 21, 22 क्वेश्चन। अभी 2-3 क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो ये आपको पता है, मैं यहां पर 20 क्वेश्चन का ही चर्चा कर रहा हूं। देखो इन दोनों को मिला के आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे, 20 या 20 से 22 ही क्वेश्चन आएंगे, 25 नहीं आएंगे, क्योंकि टोटल जो आपका पेपर होने वाला है, टोटल पेपर होगा 50 क्वेश्चन का। 50 में से देखो यहां पर 10, 15, 25, 26, 27, 28 के आसपास तो क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, फिर क्वेश्चन बचे कितने 22, 22 में से हमने यहां पर कर दिए कितने 3-4 करंट अफेयर के कर दिए, तो यहां पर पीछे बचे 17, 18, 17, 18, यहां पर 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है डिवाइडेशन हो रखा है। अब मैं पिछली बार कहां से क्या आया उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित यहां पे आया था, ये मोटर व्हीकल एक्ट का है, ये पद्म भूषण का है, टेकोमीटर आरपीएम मीटर गाड़ी का है, जीके यूके हिस्ट्री का, जीके यूके हिस्ट्री का, जीके यूके जियोग्राफी का, इंजन ऑयल का, रोड यानी सड़क के संबंध में, अर्जुन अवार्ड के संबंध में क्वेश्चन आया है, प्रसन्न सिंह यादव आप देख पा रहे हैं रोड का संकेत आया है, 11वां संकेत, 12वां 112 मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा है स्पीड से संबंधित, 13वां इंजन से संबंधित, 14वां जीके यूके हिस्ट्री, 15वां जीके यूके हिस्ट्री, जीके यूके कल्चर, जीके यूके हिस्ट्री, जीके यूके हिस्ट्री, डीएल डीएल 19वां और 20वां, ठीक है। और आगे मैं बात करता हूं भारत स्टेज से संबंधित आया था, प्रदूषण से संबंधित है ये, और ये व्हीकल जो है मतलब कि ड्राइविंग पार्ट से संबंधित है, करंट अफेयर ऑफ इंडिया इंजन से संबंधित, जीके यूके हिस्ट्री और गोल्डन हावर जो कि ड्राइविंग पार्ट का है, ठीक है, जिसमें जीके लिखा है वो जनरल नॉलेज का हो जाएगा। 26वां जीके यूके हिस्ट्री, मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 8 फॉरम पूछा गया था, टायर से संबंधित, जीके यूके हिस्ट्री, करंट अफेयर ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन आया, देखो अब वो देखो था संबंधित यूके से है ना, लेकिन क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री का था। 32वां इंजन से संबंधित, 33वां कल्चर था, 34वां भी कल्चर था, 35वां मोटर व्हीकल
एक्ट से संबंधित व्हीकल कैटेगरी, 36वां बैटरी, 37वां ई रिक्शा, 38वां यूके जीके हिस्ट्री और 39वां जीके का यूके, जीके यूके का था, और 40वां संकेत पूछा गया, 41वां आप देख पा रहे हैं इंडियन जीके कल्चर, भारत का संस्कृति का क्वेश्चन, ब्रेक फ्लूड को लेके प्रश्न आया था कि उसका काम क्या होता है, जनरल साइंस का क्वेश्चन आया, मोटर व्हीकल एक्ट पेनल्टी, जनरल साइंस, ये देखो तीन क्वेश्चन यहाँ पे जो है इससे फंस गए हैं जनरल साइंस से, है ना, जैसे कि कोई मतलब बीमारियां होती इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जीके यूके हिस्ट्री, जीके यूके कल्चर, टायर और यूके करंट, ये क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में आए थे और ये एकदम सटीक है। यहां पर मैंने हर एक क्वेश्चन को लिख के आपको बताने का प्रयास किया है कि पिछली बार जो है क्या पूछा गया, तो आप खुद एक रणनीति तैयार करें, एक स्ट्रेटेजी तैयार करें कि मैं इन 50 क्वेश्चंस में से, 50 में से आपने अगर यहां पे 35 कर दिए तो 100% कितना होता है वो सिलेक्शन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, है ना। तो यहां पर आप अब देखो इसको करेंगे कैसे, इसको अगर टारगेट को 35 वाले को अचीव करने के लिए आपको जो ये 25 क्वेश्चन है ड्राइविंग मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित है, ये काफी सरल क्वेश्चन आते हैं, इनमें से आपको 23-24 तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ये पहुंच गए तो फिर बाकी का काम आसान हो जाएगा, आप 40 तक का स्कोर भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर आपको इस 25 नंबर पे पूरा फोकस करना है। इसके अलावा यहां पर जो आपका सिलेबस है इसमें देखो कि ये जो उत्तराखंड का इतिहास और एक कला और संस्कृति, ये दो चीजें ये और आप पूरा फोकस करेंगे और बाकी एकदम फैक्ट आपको याद करने, क्वेश्चन घुमा के नहीं पूछते, डायरेक्ट फैक्ट पूछे जा रहे हैं, तो बेस्ट स्ट्रेटेजी तैयार करें और इसके लिए हम भी आपके लोगों के लिए बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, बिल्कुल आप हमसे जुड़ के भी जो है तैयारी कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और यहाँ पे study@classx.co.in आपको सर्च करना है, या आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टडी एट होम की ऑफिशियल वेबसाइट आपको शो हो जाएगी और ये इसमें आप कोर्सेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप से ये एंटर ये दिखेगा और इसमें आप देख पा रहे हैं UK SSSC ड्राइवर एग्जाम 2024, आप इसमें देख पा रहे हैं कंप्लीटली हमने जो आपका कोर्स है उसको यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव कर दिया है और आप शुरू से अभी से ज्वाइन करके बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं और आपका एग्जाम भी जल्द ही होने वाला है, मई जून के आसपास आपका एग्जाम भी कन्फर्म है, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, 2-2.5 महीने है, इस 2-2.5 महीने में आपका जो सिलेबस है उसको आप बार बार रिवाइज करें और परफेक्ट एकदम तैयारी करें, बिल्कुल आप तैयारी कर रहे होंगे उम्मीद करता हूं, और जो पिछली बार तैयारी करके 1-2 नंबर से रह गए हैं उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ आपका पड़ा हुआ है, बिल्कुल आपका जो टारगेट है आप उसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला काम है सावधानी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना, फॉर्म भरने के बाद तुरंत प्रभाव से तैयारी में लग जाना जब तक आपका एग्जाम न हो। और देखो ये एक प्रकार का खेल का मैदान है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, तो आपको अभी से किताबों से खेलना शुरू कर देना है और बेहतरीन आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इतना बड़ा कोई यहाँ पर ये गेम नहीं है कि आप कर नहीं सकते। तो एकदम सिंपल वे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ड्राइवर की पोस्ट पे जितना आसान है लगना उतना आसान आप किसी भी पोस्ट पे सिलेक्ट नहीं हो सकते, बाद में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं, हम आपको पूरा गाइड करेंगे, A to Z आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसा कि अब इस भर्ती में आपको पूरा का पूरा हमने गाइड करके सब कुछ आपको जो है बताया है और बच्चे आज मतलब कि हमारे साथ जुड़कर तैयारी करके आज जो ड्राइवर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं हम बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल उनका इंटरव्यू भी हम लेंगे, उनके माध्यम से आपको ये समझाएंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी करी और कितनी आसानी से उनका सिलेक्शन हो गया, जहां कहीं पर भी सिलेक्शन होना संभावित नहीं था वो ड्राइवर की पोस्ट पे जाके आज गवर्नमेंट जॉब में है और वो अपना सपना है आज साकार कर चुके हैं, उनके माता पिता का सपना, उनका खुद का सपना, उनकी लाइफ सेटल हो गई है गुरु, मैं बताऊं आपको जीवन भर वो आप कमाते रहेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, एक रेपुटेशन होगी समाज में, नाम और समाज में मान सम्मान होगा, हर लोग आपको इज्जत से देखेंगे। छोटा सा काम है ये जो 50 नंबर का सिलेबस है, इसको थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना है, हमें यहाँ पे टारगेट 50 में से 30 लेके ही नहीं चलना, हमें टारगेट 50 में से 40 प्लस का स्कोर लेके चलना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है, आप आराम से एकदम श्योरिटी से मजे से आप आराम से तैयारी कीजिए, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, तो आप बिल्कुल इस काम के लिए स्टडी होम ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है इसके साथ जुड़ सकते हैं और फ्री के नोट्स ईबुक टेस्ट सीरीज ये भी हमारे पास में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम और ऑनलाइन हमारी इस वेबसाइट का, तो तुरंत प्रभाव से आप विजिट करें और तुरंत आज ही घर बैठे तैयारी शुरू करें और करें अपने सपने को साकार। जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू।